ये हमारा NMDC का सेटलिक टैंक है। यहाँ पे पानी जाता है मोटर के थ्रू और पानी आता भी है कूलिंग, हॉट हॉट पानी जहाँ गर्म होता है मोल्ड कूलिंग के लिए, जो बच गया पानी इधर जाता है और पानी इधर से ही जाता है। तो ये डिवाइड डिवाइड होता है, पार्टीशन 3 पार्टीशन में है, क्योंकि एक में नॉर्मल पानी होगा तो जो हॉट में हॉट पानी आएगा ना गर्म पानी, दूसरे में जाएगा। ठीक है, इसमें जो क्रेन लगा हुआ है उसमें जो रस्ट मटेरियल या कोई भी मटेरियल आके जमा हो जाता है पानी मोटर के थ्रू, तो सबको मेटल को निकालने के लिए क्रेन लगा हुआ है। वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक क्या बोलते हैं इसे, चाम्बर क्लेम्बर कुछ नहीं, छोड़ो।